नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 सीटों में हम बात करेंगे मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है, यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, पूरी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उपचुनाव 2027 के चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसके बाद हमको नहीं लगता कि आने वाले समय में इतनी भारी सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। हो सकता है हो, लेकिन इतनी भारी सीटों में नहीं होगा, 10 सीटों से कम ही पर होगा, जब भी होगा। तो समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बना सकती है, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बता रहा हूं। यहां पर कादिर राणा, कादिर राणा कौन है, पूर्व सांसद रह चुके हैं मुजफ्फरनगर के, और बहुत ही पॉपुलर चेहरे हैं, यानी कि बहुत ही लोकप्रिय चेहरे बताए जाते हैं। और मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यह मुस्लिम बाहुल्य है, लगभग 1,30,000 की संख्या में यहाँ मुस्लिम हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर दलित मतदाता हैं। तो समाजवादी पार्टी कादिर राणा पर दांव खेलने जा रही है। तो यहाँ का समीकरण क्या कहेगा, इनकी कुछ फोटो मैं दिखा दे रहा हूँ। अभी अखिलेश यादव के जन्मदिन पर रक्तदान करते हुए नजर आए। अब आपको मैं स्पष्ट कर दूँ कि रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं। नेताओं को जब चुनाव लड़ना होता है, कोई भी नेता हो, वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति समर्पण दिखाने का काम करते हैं, पहले से भी समाजवादी पार्टी में हैं। पौधारोपण का कार्य हुआ, यहाँ पर भी कादिर राणा की फ़ोटो निकल कर आई। अखिलेश यादव के जन्मदिन को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मनाया, मीडिया में बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं पर मैं यहाँ का देख सकते हैं केक काटते हुए भी नजर आए। वहीं पर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हो सकता है चुनाव ना लड़े। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को चुनाव लड़वाए। राष्ट्रीय लोकदल मतलब जयंत चौधरी की पार्टी। जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कौन लड़ेगा, उनका नाम भी सामने आ रहा है। मुस्लिम कैंडिडेट नवाजिस आलम को यहाँ पर RLD चुनाव लड़ा सकती है। मुस्लिम कैंडिडेट यानी कि रालोद के नेता, पूर्व सांसद अमीर आलम के पुत्र, पूर्व विधायक नवाजिस आलम का नाम चर्चा में है। नवाजिस आलम 2017 में मीरापुर विधानसभा से वसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ए रालोद यहां पर लड़ेगा। रालोद की सीट रही है 2022 के चुनाव में, रालोद ने यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव जीता था। सपा और रालोद का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट कादिर राणा को चुनाव लड़ा सकती है। एकदम साफ आप बात में बता दूं, कादिर राणा यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। यहां का समीकरण क्या है, आप यहां पर और थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम 2012 की बात करें तो 12 में बसपा यहां पर चुनाव जीती थी। बसपा को 56,802, रालोद को 44,069 वोट मिला था। और यहां पर सबसे ज्यादा 1,00,000 से अधिक बताया गया है, यानी कि 1,30,000 के करीब या ज़्यादा ही यहाँ पर मुसलमान आबादी है। 50,000 से अधिक बताया गया है, तो 50,000 से 80,000 के बीच यहाँ पर दलित आबादी है। और वहीं पर जाट और गुर्जर मतदाता भी यहाँ पर भारी संख्या में हैं। वहीं पर अगर 2022 में यहाँ पर रालोद की तरफ से चंदन चौहान चुनाव लड़े थे, जो देख सकते हैं 1,07,421 वोट पाए थे। भाजपा के प्रशांत चौधरी 80,041, और जीत हार का मार्जिन था 27,380। 17 में भाजपा जीती थी, भाजपा केवल 193 वोटों से जीती थी। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट कहीं ना कहीं एक मजबूत सीट मानी जाती है। केवल 193 वोटों से समाजवादी पार्टी 2017 में चुनाव यहां पर हार गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं, मीरापुर की विधानसभा सीट पर अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भाई मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर है, लेकिन ये मीरापुर की विधानसभा सीट बिजनौर लोकसभा में आती है। बिजनौर में आती है तो बिजनौर से RLD चुनाव जीती है, लेकिन 5 विधानसभा सीटों में जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, RLD को 88,438 वोट मिले, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर 89,429 वोट मिले। अगर मैं बोल रहा हूं, जिसकी संभावना ज्यादा है, समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिला था उतना ही वोट अब की बार फिर मिल जाए, तो समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है।
और वैसे भी बिजनौर की लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य की सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दीपक सैनी को टिकट दिया था। दीपक सैनी 30-35 हज़ार वोटों के अंतर से ऐसे कुछ अंतरों से चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी है, लेकिन शासन प्रशासन सरकार का है, सत्ता का है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी असर चुनाव में देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम ओपिनियन पोल लाएंगे जो 100% लगभग सटीक भी साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।